हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम बात करेंगे पुदीने के बारे में, मिंट के बारे में। अब गर्मी आ रही है तो इस टाइम मिंट जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना। तो आप जो है मिंट की आज मैं कटिंग लगाऊंगी। ये देखिए, मेरा मिंट का प्लांट है, लास्ट ईयर का। ये टूट गया था गमला, उसी में लगा हुआ है। और देखिए कितनी स्पीड से बढ़ रहा है ना। तो आज हम इसकी कटिंग लगाएंगे। देखिए, मिंट का प्लांट ऐसे बढ़ता है, जैसे मनी प्लांट होती है, मैंने बताया था ना, हॉरिजेंटली लगाएं। तो मिंट के प्लांट को भी आप हॉरिजेंटली लगाएं। देख रहे हैं, ये स्टिक अगर ऐसे रहेगी तो ये ऐसे सीधी सीधी चलती है। जैसे ही आप इसको मिट्टी के साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये यहाँ से जड़ पकड़ना शुरू कर देगा और ये चीज़ बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये देख रहे हैं, ये चीज़ बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये देखिए, इसमें आ रही है ना रूट्स, है ना। ये देखिए, अब ये क्या करेंगे हम लगाएंगे आज इसकी कटिंग। देखिए बहुत अच्छा हो रहा है, थोड़ा सा था, चार पांच डंडी थी, और ये एकदम से, अब ये सीज़न आ गया ना, फेब्रवरी आ गई, तो इस टाइम में मिंट सबसे ज़्यादा लगता है। तो इस टाइम हम इसमें मिंट की कटिंग लगाएंगे। आप इसमें क्या, पुदीने की कटिंग को आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि जो सब्जी वाले आते हैं भैया, वहाँ से आप लेके और उसको कट करके, वो भी मैं तरीका बताऊँगी आपको कि उसको कैसे लगाते हैं। तो आज जो है मेरे इसमें लगा हुआ है, इसी से मैं काट के और उसमें लगा के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए सारे इसमें। इसके लिए क्या करेंगे कि कोई भी शार्प वो ले लें आप, नाइफ़ या कटर कुछ भी ले लें, और जितनी भी ये है, जैसे ये आपकी निकली हुई है, इसको आप ऐसे कट कर लें, एक बार में कट हो जाए, ऐसे ले। ये देखिए, इस तरह की कटिंग ले सकते हैं आप, ऊपर से ऐसे टिप वाली, ऐसे ये भी ले सकते हैं। इसको अगर लगाएंगे तो हॉरिजेंटली लगाएंगे। इसको मैं अभी नहीं काटूंगी, इसी के अंदर दबा दूंगी ताकि ये ऐसे चल जाए, और यहाँ से, क्योंकि इसकी जितनी कटिंग होती है ना उतना ही ज़्यादा बढ़ता है ये। तो ये कटिंग लगाने का सबसे बेस्ट टाइम है पुदीने की, तो इसमें लगाएं। ये देखिए, मैंने एक ऐसी बास्केट रखी थी मेरे पास, वो ले रखी है, उसके अंदर मैं लगाऊंगी। इसके अंदर मैंने मिट्टी, सैंड एंड कंपोस्ट, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसमें कंपोस्ट की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखें तो ये बहुत अच्छा चलता है। और जब भी आप इसकी कटिंग करते हैं उसके बाद थोड़ी सी कंपोस्ट, या तो लिक्विड वाली या फिर थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट वगैरह इसके अंदर डाल दें, तो ये दूसरी बार बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो मैं ये सारी कटिंग करके इसके अंदर आपको लगा के, इसके अंदर लगा के फिर मिलती हूँ दोबारा से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये सारी कटिंग कर ली है, ये देखिए ये सब, और इसके ऊपर की पत्तियाँ हटा देंगे, और भी हटा दूँगी थोड़ी सी मैं ये, ठीक है। ये ऐसे ले ले, ये देखिए, ये जो होता है ये नोड एरिया होते हैं, ये जहाँ से लीफ निकलती है, तो इन लीफ को हटा दीजिए आप। और हटाने के बाद एलोवेरा जेल में ऐसे डिप कर लें इसको, ठीक है, और इसको ऐसे होल्ड करके और इसके अंदर आप दबा दें अच्छे से, ऐसे ऐसे। और ऐसे अगर सब्जी वाले भैया से आप लेते हैं तो उसमें भी ऊपर का वो हटा के, सारी लीफ निकाल के ऊपर की थोड़ी सी टिप छोड़ दीजिए, और उसकी जो दो नोड एरिया ऐसे ही इसमें लगा दीजिए। इसके अंदर मैंने क्या लिया है, सॉयल, थोड़ी सी कोकोपीट, सैंड और कंपोस्ट। इन सब में क्या, पुदीना जैसी चीज़ें होती हैं, इनमें कंपोस्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। थोड़ी सी वेल ड्रेन सॉयल चाहिए, बट मॉइस्ट भी होनी चाहिए। तो मॉइस्ट रखने के लिए मैंने इसके अंदर कोकोपीट मिलाया है, ताकि थोड़ी सी सॉयल को मॉइस्ट रखेगा। तो ऐसे आप इसमें कटिंग लगाएं। ये देखिए, ये लिया मैंने, ये दो नोड एरिया हैं, इसमें ऐसे एलोवेरा जेल के अंदर मैंने ऐसे टच किया और होल करके, क्योंकि ये सबसे अच्छा मौसम है जब आप ये लगा सकते हैं, और होती भी बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी से बढ़ जाएगा, हफ्ता 10 दिन में ये खूब बढ़ के आ जाएगा। मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी। तो मैं इन सबको लगा लेती हूँ फ्रेंड्स, और फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लगा दिया है, और ये मेरे ऐसे, आप हर एक को लगा के और इसमें ऐसे ऐसे दबा दें ताकि खड़ा रहे अच्छे से, ठीक है। ये मेरा लग गया। अब आप इसमें पानी कैसे डालेंगे, अब जैसे मेरे पास स्प्रे बॉटल, अभी इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो इसके अंदर ऐसे इसमें पूरे में पानी डाल दीजिए, और पानी डाल के इसको छाया में रख दीजिए 3-4 दिन, हफ्ता आप इसको, मतलब हल्की फुल्की धूप लगे, तेज़ लाइट हो, वहाँ लगा दीजिए। तो उसके बाद क्या, ये अपने आप ही स्प्राउट होना, मतलब निकलना, इसकी पत्तियाँ शुरू हो जाएंगी, एकदम से सीधा हो जाएगा। तो इस तरह आप इसमें लगाएं इसमें, और अगर आप सब्जी वाले भैया से लेते हैं तो उसमें उनको क्या करें कि दो नोड जो है ना, दो नोड उसकी मिट्टी में दबा दें, और मिट्टी में कोकोपीट जरूर मिलाएं ताकि थोड़ी सी मॉइस्ट सॉइल रहे।
तो ऐसे करके मैं इसका अपडेट भी दूंगी 10 दिन के बाद, जब ये अच्छे से हो जाएगा फिर आपको दिखाती हूँ ये कैसा बनता है। बहुत लगता है पुदीना, बस इसमें थोड़ी सी, जब भी आप इसकी बाद में कटिंग करेंगे तो उसमें थोड़ी सी कंपोस्ट ज़रूर मिला दें। तो इस तरह आपने पुदीने को लगाएं, 100% चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये वीडियो आज की इतनी दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।